नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। 28 जनवरी से बिहार में सेना की खुली भर्ती, इन जिलों के युवा हो सकते हैं शामिल। रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण, केंद्र सरकार ने किया पद्म पुरस्कारों का ऐलान। पिता का नाम भी शुद्ध नहीं लिख पाए तेज प्रताप यादव, लालू की रिहाई के लिए पत्र में कई गलतियां। बिहार के 18 पुलिस कर्मियों को मिलेगा पुलिस पदक, आज होंगे सम्मानित, यहां देखिए पूरी लिस्ट। अब जगमग होंगे बिहार के हर गांव, मुखिया लगवाएंगे सोलर स्ट्रीट लाइट। स्मार्ट बिजली मीटर लग गया है तो अलर्ट रहिए, रिचार्ज नहीं कराया तो रिकनेक्शन चार्ज देना होगा। फिलहाल नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज, 28 जनवरी तक कोहरे का रहेगा असर। बिहार के इस विधायक ने पास की बीपीएससी की परीक्षा, बोले एसडीओ नहीं बनेंगे, एमएलए रहकर ही करेंगे समाज की सेवा। एडीयू ने लगभग जिलाध्यक्षों को बदला, पूर्व मंत्री विधायकों को सौंपी गई जिले की जिम्मेवारी। बिहार में मिले कोरोना के 82 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुँचा 2,59,979। अब खबरें विस्तार से। सेना में जाकर देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 28 जनवरी से 8 फरवरी तक बिहार में सेना की खुली भर्ती होने जा रही है। इसमें बिहार के 8 जिलों के नौजवानों को शामिल होने का मौका मिलेगा। इसे लेकर मुजफ्फरपुर स्थित आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर में तैयारी पूरी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर और मधुबनी के युवा इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सभी जिलों से करीब 50,000 युवकों ने आवेदन किया है। सेना में बहाली प्रक्रिया का डिटेल www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। इस भर्ती रैली में 28 जनवरी से 30 जनवरी तक टेक्निकल पद के लिए और उसके बाद 31 जनवरी से 5 फरवरी तक जीडी बहाली की प्रक्रिया चलेगी। वहीं 6 से 8 फरवरी तक सोल्जर ट्रेडमैन की बहाली होगी। इस बहाली को लेकर सेना की तरफ से कहा गया है कि इस बहाली में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी और किसी भी आवेदक को किसी बिचौलिए या बहाली के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। लोक सेवा में उल्लेखनीय काम के लिए उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। वहीं गोवा की राज्यपाल रही मृदुला सिन्हा को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। पिछले साल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया था। केंद्र सरकार की ओर से पद्म सम्मान के लिए जारी सूची के मुताबिक बिहार के 5 लोगों को इस दफे पुरस्कार दिया जा रहा है। रामविलास पासवान को पद्म भूषण के अलावा स्वर्गीय मृदुला सिन्हा समेत 4 को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री सम्मान पाने वाले बिहारियों में चिकित्सक डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह के अलावा मधुबनी पेंटिंग कलाकार दुलारी देवी और कलाकार रामचंद्र मांझी शामिल है। अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहा कराने के लिए राष्ट्रपति को एक लाइन का पत्र लिखने वाले तेज प्रताप यादव अपने पिता का नाम भी सही से नहीं लिख पाए। तेज प्रताप ने राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखी है। एक लाइन की इस चिट्ठी में कई गलतियां हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव ने बीते सोमवार को ये ऐलान किया कि लालू प्रसाद यादव की सजा माफ कराने के लिए वे आज़ादी पत्र मुहिम करने जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत लोग राष्ट्रपति को पोस्टकार्ड भेजकर लालू प्रसाद यादव को जेल से मुक्त करने की मांग करेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके पिता को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और अब तक जेल में रखा गया है। इस केस में जितने लोग थे सबको बेल मिल गई है, लेकिन लालू यादव को बेल नहीं मिली है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि एक बेटा होने के नाते उन्होंने संकल्प लिया है कि चाहे उनकी जान चली जाए लेकिन वे लालू की बात जन जन तक पहुंचाएंगे। जब तक वे लालू यादव को रिहा नहीं करा लेते तब तक उनका अभियान जारी रहेगा। अपनी मुहिम का पहला पत्र तेज प्रताप यादव ने खुद लिखा है। पोस्टकार्ड पर लिखे एक पंक्ति के पत्र में कई गलतियां हैं। हद तो ये हो गई कि तेज प्रताप अपने पिता लालू प्रसाद यादव का नाम भी सही तरीके से नहीं लिख पाए हैं। तेज प्रताप यादव के एक लाइन के पत्र में कम से कम 5 गलतियां हैं। वहीं मसीहा, वंचित, गरीबों, मूल्यों जैसे शब्द भी शुद्ध नहीं लिखे गए हैं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने पुलिस पदक की घोषणा कर दी है। इस बार विभिन्न वर्गों में बिहार के 18 पुलिस कर्मियों को पुलिस पद के लिए चयन किया गया है। इन 18 पुलिस कर्मियों में से 5 को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। वहीं विशिष्ट सेवा के लिए 2 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार दिए जाएंगे। बाकी 11 पुलिस कर्मियों को मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक देकर सम्मानित किया जाएगा।
आपको बता दें कि बिहार के 3 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिसका चयन केंद्रीय गृह मेडल के लिए किया गया है। इनमें पुलिस अकादमी राजगीर के हवलदार भोगेंद्र मिश्र और CTC नाथनगर के कांस्टेबल अनुरंजन कुमार व कांस्टेबल विपिन कुमार सिंह शामिल हैं। बिहार के गांवों तक नई रोशनी पहुंचने वाली है। CM की घोषणा के बाद गांवों की गलियों और सड़कों को सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमग करना है। इस योजना पर अब काम शुरू हो गई है, लेकिन अब इस पर नए ढंग से काम शुरू करने की तैयारियां हैं। अब मुखिया के माध्यम से इस योजना को क्रियान्वयन किया जाएगा। अब मुखिया जी ही तय करेंगे कि कौन सी एजेंसी सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएगी और इसका भुगतान भी मुखिया जी के माध्यम से ही किया जाएगा। लेकिन मुखिया को बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के दिशा निर्देश के आधार पर कामकाज करना है। सरकार ने यह तय किया है कि मुखिया को बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की सूची में शामिल कंपनियों में से किसी एक को ही अपने गांव को रोशन करने का जिम्मा देना होगा। इसे लेकर ब्रेडा ने कंपनियों को डायरेक्टरी बनाना शुरू कर दी है। बिहार के लोगों के लिए यह बात जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिजली कंपनी ने अगर आपके घर में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अगर रिचार्ज खत्म होने से पहले आपने बैलेंस नहीं डाला तो आपकी जेब ढीली हो सकती है। बिजली उपभोक्ताओं को समय रहते अब अपना स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज कराना होगा, वरना डिसकनेक्शन होने पर आपको फिर से कनेक्शन के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। हालांकि बिजली विभाग ने अभी यह तय नहीं किया है कि रिकनेक्शन के लिए उपभोक्ता को कितना पैसा देना होगा। यह शुल्क बिहार विद्युत विनियामक आयोग तय करेगा। बिजली कंपनी की तरफ से 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू होंगी और आयोग को कंपनी ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें फ्री कनेक्शन चार्ज भी शामिल है। अधिकारियों के अनुसार प्रीपेड मीटर में खपत के अनुसार हर रोज पैसे की कटौती होती है। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपने मोबाइल में इसकी जानकारी दे सकते हैं। खपत के आधार पर उपभोक्ता को 7 दिन पहले मीटर रिचार्ज कराने की पहली नोटिस दी जाएगी और अगर इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बैलेंस खत्म हो गया तो दूसरी नोटिस दी जाएगी। राशि खत्म होने के बाद अगर 24 घंटे के अंदर रिचार्ज नहीं कराया गया तो बिजली की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में फिलहाल मौसम का असर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जनवरी तक पटना सहित बिहार के ज्यादातर हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जनवरी तक उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा की रफ्तार से दिन के साथ ही रात के तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी, जिससे इस सर्द मौसम में लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन 28 जनवरी से एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज होगी। मौसम विभाग का कहना है कि हवा के रुख में बदलाव होने के कारण मौसम का यह मिजाज भी जारी रहेगा। बिहार के एक विधायक ने कमाल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सीतामढ़ी के पथनाहा सीट से विजयी युवा विधायक अनिल कुमार ने BPSC की परीक्षा निकाल ली है। इन्हें BPSC मेंस में सफलता हासिल हुई है। इन्होंने काफी अच्छा मार्क्स हासिल किया है। विधायक की इस सफलता के बाद उन्हें बधाइयों का तांता लगा है। सीतामढ़ी के बथनाहा विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक अनिल कुमार को BPSC मेंस की परीक्षा में सफलता मिली है। BPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भाजपा विधायक अनिल कुमार ने मीडिया को जानकारी दी है कि उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस परीक्षा में सफलता मिली है। वह पेशे से एक इंजीनियर हैं। उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वह साल 2012 में अपना कोर्स कम्प्लीट किए थे। विधानसभा चुनाव में करारे झटके के बाद चेतन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के तकरीबन सभी जिलाध्यक्षों को बदल दिया है। चुनाव हारने वाले मंत्री विधायकों के साथ साथ हेवीवेट माने जाने वाले नेताओं को अब जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है। JDU ने पूर्व मंत्री संतोष निराला, पूर्व विधायक राहुल शर्मा जैसी कई नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया है। राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के बाद JDU ने जिलाध्यक्ष को भी बदल दिया है। उनकी सूची जारी की गई है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की ओर से जारी जिलाध्यक्षों की सूची में ऐसे कई नाम हैं जो पिछला चुनाव हार गए थे। पार्टी ने सांसद से लेकर मंत्री विधायक रह चुके नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाकर मैदान में उतारा है। कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सभी पुराने जिलाध्यक्ष को बदल दिया गया है। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 39 नए मामले सामने आए हैं। सोमवार को जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 82 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,59,979 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नियमित अपडेट के मुताबिक
पिछले 24 घंटे के भीतर 3 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1479 हो गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात तो यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 267 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब हो गई है। राज्य में अब तक कुल 256,008 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।